बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली का पर्व समूचे उपखंड क्षेत्र पर बड़ी ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास से मनाया गया। चौहटन उपखंड मुख्यालय पर प्राचीनतम होलिका स्थल पर शुभ मुहूर्त में पंडित प्रवीण दवे के मंत्रोच्चारण के द्वारा संपूर्ण विधि विधान से होली की पूजा अर्चना कर होलिका का दहन किया गया। इस अवसर पर मुख्य पूजक पर सुरेंद्र अग्रवाल, प्रयाग सिंह, भवानी सोनी, पुरुषोत्तम धारीवाल, विमल जोशी सहित दर्जनों युवा हवन पास पाठ में बैठे। निर्धारित मंत्रोच्चारण के पश्चात हवन यज्ञ में बैठे इन पांच युवाओं ने होलिका की पांच परिक्रमा लगाकर होली की विधि विधान तथा अनुष्ठान पूर्ण कर होलिका का दहन किया। सबसे प्राचीनतम होलिका दहन स्थल पर कई वर्षों से अविरल होली दहन स्थल के साक्षी रहे सुरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस जगह पर चौहटन से सदियों का होलिका दहन किया जाता है। संपूर्ण कस्बे के लोग तथा महिलाएं इस स्थल पर आकर होली पर गाय के गोबर के बने उपले तथा नारियल चढ़ाकर अपने रंग रोगों से मुक्त होने की कामना करते हैं। इस होलिका दहन के अवसर पर चंपाला पारख, रणजीत सिंह राठौर, लूटकरण बोहरा, अशोक शर्मा, हंसराज सिंह भी, सुरेंद्र सिंह राठौर, मांगीलाल पारख, मनोहर लाल अग्रवाल आदि कस्बे के ग्रामीण एवं माताएं बहनें उपस्थित रहीं। आज हर्षोल्लास के साथ में होलिका दहन 12:11:48 पे होलिका दहन किया गया। जैसा कि समिति के द्वारा समय गांव वालों को बताया गया था, बहुत ही अच्छी पब्लिक भी आई और लोगों ने आनंद के साथ में जयकारे के साथ में भक्तलाल प्रहलाद की जयकारा बोलते हुए होलिका दहन कार्यक्रम को संपन्न कराया। इस समय होली जो है इसकी लपटें अग्निकोण की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा माना जाता है कि अग्निकोण की ओर लपटें जाने से प्रदेश में, गांव में सुखद और मंगलकारी आने वाला समय रहेगा, इस प्रकार की भावना है हमारी इस बारे में है। प्रवीण जी दवे।